एक फ्लैट के विच अग लगन के नाल सारा कुछ ही सड़के सुआह हो गया। दस दिए कि अग लगन के कारणों का पता नहीं चल सकिया, पर अचानक ही यह अग लगी है जिसके कारण एक औरत इस फ्लैट के अंदर ही फस जाती है। तो गुआढ़ियों के वलों दरवाजे तोड़ के उसनू मौके के उत्ते बचाया गया। तो खबर जीरकपुर तो सामने आ रही है जिते कि एक फ्लैट के विच अचानक अग लगी। हालांकि जो फ्लैट का मालिक है वह अपने बेटे के नाल हस्पताल दे विच सी, ते जिवें ही उसकी पत्नी ने उसनू फोन के उत्ते सूचना दी तो इस तो बाद उसने गुआढ़ियों नू दस्या, पर गुआढ़ी जब तक पहुँचते उदों तक काफ़ी देर हो गई सी। पर औरत नू कड़ी मशक्कत तो बाद बचा लिया गया, पर फ्लैट जो है वह सारा ही सड़के सुआह हो गया। उत्थे ही इस फ्लैट के मालिक का कहना है कि उसने अपनी खून पसीने की कमाई के नाल इस फ्लैट नू लिया सी, ते हुण यह सारा ही सड़के सुआह हो गया। उसका कहना है कि जो इस फ्लैट के बाहर जो अग बुझाउण वाले यंत्र सी वह कोई भी काम नहीं किया, जिसके कारण ही यह वड्डा नुकसान होया। हालांकि गुआढ़ियों के वलों ही जदों अग के उत्ते काबू पाने की खुद कोशिश की गई तो वह असफल रहे, तो इस तो बाद तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड नू दी गई। तो फायर ब्रिगेड ने आके मौके के उत्ते इस अग के उत्ते काबू पाया। तो यह अग दियां अंदर दियां तस्वीरां ने जिस साफ देखा जा सकता है कि जो फ्लैट है वह बुरे तरीके दे नाल सड़ चुका है, अंदर पिया सारा ही समान राख बन गया। इतों तक कि दसया जा रहा है कि जो एसी सी वह भी बिल्कुल ही पिघल गया। तो इस दे नाल ही अंदर दियां ये तस्वीरां सामने आईयां ने, तो दस दिए कि लखां रुपए का इसका नुकसान होया। सावित्री ग्रीन 2 गाजीपुर रोड पर रहता हूँ, फ्लैट नंबर 19C, जो कि मैंने 2017 में एनके शर्मा एंड कंपनी से लिया था। और आज सुबह 3:30 बजे मेरे घर के अंदर आग लग गई। मेरी मिसिज अकेली थी, मैं हॉस्पिटल में था, तो जब आग लगी तो पड़ोसियों मेरी मिसिज ने मेरे को फोन किया कि आग लगी घर में, तो मैंने लोगों को फोन किया तो लोग वहां पर आए और मतलब फायर हाइड्रेंट जो लगे थे, जो यहाँ फायर हाइड्रेंट थे, फायर सिलेंडर थे, वो उन्होंने क्या नाम उठाए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायर हाइड्रेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चला। इसकी वजह से मेरे पूरा घर जल के तबाह हो गया। तो आपके वाइफ अकेले थे घर पे उस समय? क्या जी? वाइफ अकेले थे घर पे? मेरी वाइफ अकेली थी घर पे, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बेटा भी हॉस्पिटल में था। मेरी वाइफ को बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने बचाया, बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला और आग को बहुत मुश्किल से काबू किया गया। तो पूरा सामान जो है वो जल गया इसमें या कुछ? पूरा सामान जल गया जी, कुछ नहीं बचाया। घर के अंदर सब मेल्ट हो गया है, कुछ नहीं है घर के अंदर आज के टाइम में। अगर आज फायर हाइड्रेंट होते या कुछ भी होते तो शायद मेरा कुछ नुकसान बच जाता।